हेलो एवरीवन, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने वाली हूँ एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो होगी। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो मेकअप पे बनाऊँगी जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। सो देखते हैं कैसा होता है एंड आप एंड तक बने रहिएगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी, ठीक है, बिकॉज मेरे पास मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है, इसलिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये, इसे आप नॉर्मली जैसे ही लगाते हैं मॉइस्चराइजर को वैसे लगा लीजिए। लगाने के बाद तो काफ़ी स्मूथ सा और अच्छा सा लुक आ जाता है। बिल्कुल, अब एकदम सेट हो चुका है ये। एंड सेकेंड मैं लगाऊंगी मेकअप प्राइमर। सो इसे देखते हैं कैसे लगाना है। प्राइमर को थोड़ा सा लेना है तो इसको आप लगा लीजिए। अच्छे वीडियो है तो मुझे बनाना नहीं आते हैं, बार बार बोल रही हूँ, तो मुझे बताना कैसे कैसे बनाते हैं अगर कोई देखेगा। वैसे तो उम्मीद तो है कि व्यूज़ मिले, अगर नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ जो नहीं भी देखना चाहता वो भी देखना। ठीक है, मैंने लगा लिया है अच्छे से। सेकेंड मैं लगाऊंगी बीबी की क्रीम। एक तो मैक की प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ये भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट करते हैं हम थोड़ा सा इसको टैप टैप करके लगा ले रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। इसको अच्छे से मुझे वीडियो ही बना ली उन पर, तो पहले मुझे फिंगर टिप्स से मुझे अच्छे से उनको टैप टैप कर ब्यूटी ब्लेंडर से आपको इसको अच्छे से। वैसे तो मैं जो क्रीम मुझे नहीं सूट हो रहा है ब्यूटी ब्लेंडर, तो मैंने सोचा कि मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ, बिकॉज मैं नॉर्मली जो क्रीम अभी लगाती हूँ। प्यारा सा लुक आ गया है, फेस आप देख सकते हैं शाइनिंग सा हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, ओके। एंड थर्ड में लगाऊंगी NC20 का फाउंडेशन। मैक का ऐसा है तो इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने इतना लिया, इसको मैं टैप टैप करके लगाऊंगी। एक्चुअली मैं फ़ोन से शूट करूँगी वीडियो, और थोड़ा सी लाइट की तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा ब्लर दिखा होगा। इसे इसको अच्छे से कर लूँगी। ये वाला जो ब्यूटी लग रहा है ना, ये मेरा बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आता है ये। अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं, बट एक हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है, सो आपको सबको पता ही होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे बैठे बैठे मेकअप भी ट्राई कर लेती हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरा यूट्यूब चैनल भी बन जाएगा। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, इसको बहुत आराम आराम से कीजिए आप। क्या आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। एंड नेक्स्ट मैं लगाऊंगी ये वाला कंसीलर, क्योंकि मैंने कंसीलर कभी यूज़ नहीं किया, मैंने फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। जिनके डार्क सर्कल वगैरह होते हैं उनके लिए होता है ये, मेरे तो शायद नहीं है, बट फिर भी इसको भी मैं इसकी मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड नेक्स्ट मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट, देखिए रोज पाउडर मैं थोड़ा ही लगाऊंगी। एंड मैं आई मेकअप करूंगी इससे, मोती हुड्डा ब्यूटी पैलेट से ऐसी है, इसको मैं बहुत लाइट वाला कलर लगाऊंगी। ये बहुत लाइट सा ऑरेंज शेड, मैंने ये वाला लगा लिया आई शेडो, शायद आपको दिख रहा होगा। अब इसको मैं एक बार ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से, देखिए हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है बट मुझे ये भी डार्क लगा है। सो मैं मैक का ये लाइनर लगाऊंगी, देखते हैं आज ये वाला कैसा लगता है। यह है ठीक है, बट ज़्यादा मैंने मोटा नहीं लगाया। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी ये मस्कारा। सो मैं ये वाला कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, ये भी मैक का है। कॉम्पैक्ट से ना आपका जो मेकअप है वो पूरी तरीके से
हो जाता है सेट। आपका जो फाउंडेशन है वो केटी केटी से नहीं लगता, इसमें भी मैंने दो तीन प्रोडक्ट मिस कर दिए हैं क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं शो। ये है प्लस है, तो इसमें देखते हैं मेरे को कौन सा कलर। मैं देखिए मैं ये वाला कलर लगाती हूँ, तो देख लेते हैं। बहुत कम वैसे ब्लशर का तो ट्रेंड ही है आजकल, लोग नॉर्मली कुछ लगाए ना लगाए लेकिन ब्लशर ज़रूर लगाते हैं, और मुझे भी ब्लशर बहुत पसंद है। सो मैं भी जब मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था तो मेरे पास ब्लशर था ये, तो मैं कभी कभी ब्लशर यूज़ कर लेती थी क्योंकि मेरा तो मेकअप से दो दिन तक जाता ही नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें फिंगर टिप्स से ज़्यादा अच्छी दिखती है कि नहीं? हमेशा जरूरी नहीं कि आप ब्रश ही लगाओ। मैं ये वाला काजल लगाऊंगी, सो देखते हैं। मैंने काजल लगा लिया है, आपको दिख रहा होगा, बिकॉज मेरे पे लाइनर ना नीचे अच्छा नहीं लगता है। तो एंड नेक्स्ट मैं मैक की ही लिपस्टिक लगाऊंगी, देखते हैं इससे क्या लुक आता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेकअप का। ये वाली लिपस्टिक मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, सो देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, तो वैसे तो मैं ब्रश वाले लगाती हूँ बट लेकर आए हैं तो मुझे लगानी तो पड़ेगी। और ये कलर मेरे अकॉर्डिंग बहुत डार्क है, मैं लाइट कलर लगाती हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे लिए लाए हैं, सो मैं इसको अब से यूज़ करूँगी रेगुलरली। नेक्स्ट मैं लगाऊँगी मैक का ही फिक्सर सेटिंग स्प्रे, इसको आप मेकअप करने से पहले भी लगा सकते हैं। गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको फिर जाते जाते एक बार बता देती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। और अगर मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं टाइम निकाल के वीडियो बना पाऊँगी, और मुझे लगेगा कि शायद नहीं हो पा रहा तो थोड़ा मैं भी मतलब निराश हो जाऊंगी और मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी। सो आप समझ रहे हो ना, इसलिए मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ बताना कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है, एंड अगर आप बताओगे तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।